guys, this is Anjali Sharma. Welcome to my YouTube channel Education Candle. So today we are talking about spring and its classification. It means spring और इसके वर्गीकरण के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो. बट इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि स्प्रिंग क्या होती है. स्प्रिंग एक इलास्टिक मशीन पार्ट होता है जिस पे अगर लोड लगाया जाए तो वो डिफॉर्म हो जाती है और अगर लोड हटा दिया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है. यानी कि जो उसकी ओरिजिनल शेप है, बेस शेप है, वो उस शेप को वापस से ले लेती है. ये होती है स्प्रिंग. अब हम स्प्रिंग के यूजेस की बात करें कि स्प्रिंग कहाँ कहाँ यूजेस होती है, क्या कहाँ कहाँ इसके उपयोग हैं. तो वो काफ़ी सारे हैं. इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, मैकेनिकल फील्ड में ही नहीं, इंजीनियरिंग फील्ड में ही नहीं, सिर्फ ये नॉर्मल लाइफ में भी हम काफ़ी बार देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है. सो अगर इसके फर्स्ट की बात करें तो जो स्प्रिंग का मेन वर्क होता है वो होता है कंपन को और इम्पैक्ट को सहना. यानी कि अगर कोई कंपन है तो उसे वो सपोर्ट करेगा या फिर उसे सहेगी, और अगर उस पर कोई इम्पैक्ट दिया जा रहा है तो उसे भी वो सहती है. ये होता है इसका सबसे पहला यूज़. और कैसे हम देख सकते हैं इसके एग्जांपल, जो हमारी गाड़ियों में लगने वाले सस्पेंशंस होते हैं वो होते हैं हमारे स्प्रिंग लगे रहते हैं उनमें. और रेलवे बफर स्प्रिंग भी आपने देखी होगी, वो भी हमारी स्प्रिंग ही यूज़ हो रही है वहाँ पे. तो वो भी कंपन और इम्पैक्ट को झेलने का काम करती है. देन आता है कि स्प्रिंग एनर्जी को भी स्टोर करती है. ये कैसे, ये हमने मॉस में भी देखा था, स्टोर एनर्जी जब पढ़ी थी. तो हम जानते हैं कि जो हमारी स्प्रिंग है वो एनर्जी को भी स्टोर करती है. अब अगर इसका नॉर्मल लाइफ में यूजेस देखें तो आपने टॉयज़ देखे होंगे, जो हमारे वॉचेज़ होती हैं, टॉयज़ होते हैं, उनमें भी स्प्रिंग लगी रहती है. वॉच में, चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे वो हाथ की घड़ी हो, वॉचेज़ में हमारी स्प्रिंग लगी रहती हैं. और टॉयज़ में भी, टॉयज़ में कैसे, आपने देखा होगा कि जो, जैसे आपको स्क्रीन पे ये दिखाया जा रहा है टॉय, तो ये जो टॉय है इसमें जब हम लोड देंगे ऊपर से तो ये कंप्रेस हो जाएगी, और जैसे ही हम उस पर से लोड हटा देंगे तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आनी चाहिएगी, और ओरिजिनल शेप में आने के लिए उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो उसे रिलीव कर देगी. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे हम डायल गेज में भी यूज़ करते हैं, लोड को या फिर प्रेशर को देखने के लिए. देन स्प्रिंग कुछ मशीनिंग पार्ट पे इम्पैक्ट लगाने के लिए या लोड देने के लिए भी काम आती है, और कुछ जगह मोशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी. जैसे अगर हम बाहर की बात करें कि कहाँ वो वेट देने के लिए काम आती है, तो वो होते हैं हमारी कैम फ्लावर. कैम फ्लावर हमें पता है क्या होता है, तो कैम फ्लावर में स्प्रिंग लगी रहती है, और वो स्प्रिंग की वजह से ही जो हमारा कैम फ्लावर है वो ठीक से वर्क करता है. अब अगर मोशन को कंट्रोल करने के लिए देखें तो ब्रेक और क्लच में भी स्प्रिंग लगी रहती है, जो क्या करती है, जो हमारी मोशन है, गति है, उसको कंट्रोल में रखती है. तो ये होते हैं हमारे मशीन के सिंपल से यूजेस, सॉरी मशीन नहीं, स्प्रिंग के सिंपल से यूजेस जो मैंने अब आपको बताए. अब हम ये देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग्स क्या होता है. तो इसे कुछ मेन पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इज हेलिकल स्प्रिंग, स्पायरल स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, ब्लॉक स्प्रिंग एंड लीफ स्प्रिंग. अब हम इन सब का छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये स्प्रिंग्स होती क्या हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं. ओके, सो हेलिकल स्प्रिंग से स्टार्ट करते हैं. जो हमारी हेलिकल स्प्रिंग्स होती हैं ये सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के जो वायर्स होते हैं उनको आप कोल्ड या हॉट किसी भी प्रोसेस में मोड़कर बनाते हैं हेलिकल स्प्रिंग्स को. और ये मेनली जो होती हैं वो हमारी कार्बन स्टील की बनी होती हैं, मैग्नीज स्टील की एंड सिलिकॉन स्टील्स एक्सेट्रा, इन सब की हमारी जो हेलिकल स्प्रिंग्स होती हैं वो बनाई जाती हैं. हेलिकल स्प्रिंग्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट इसका टाइप होता है सिंपल हेलिकल स्प्रिंग. सिंपल हेलिकल स्प्रिंग्स में क्या होता है कि जो हमारी हेलिकल स्प्रिंग है वो किसी एक्सिस के अबाउट नॉर्मली हेलिक्स बने रहते हैं, तो वो होती है सिंपल हेलिकल स्प्रिंग. सेकंड होती है कॉनिकल. कॉनिकल स्प्रिंग में किसी एक्सिस के अबाउट आपके जो हेलिक्स होते हैं वो कॉनिकल बनाए जाते हैं, यानी कि जब आप उस स्प्रिंग को देखेंगे तो आपको देखने में उसका शेप कॉनिकल दिखाई देता है. देन आती है कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग.
कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग्स में जो स्प्रिंग के हेलिक्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कंप्रेशन में जो स्प्रिंग्स के हेलिक्स हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे, तो इसीलिए हम उनको थोड़ा दूर दूर बनाते हैं ताकि वो अच्छे से कंप्रेस हो सके। देन टेंशन और टेंसाइल भी हम कह सकते हैं हेलिकल स्प्रिंग। जो टेंशन हेलिकल स्प्रिंग होती हैं इसमें जो हेलिक्स होते हैं वो बहुत पास पास बनाए जाते हैं, क्योंकि टेंशन है तो इसमें टेंशन या टेंसाइल फोर्स काम करेगा, तो इसीलिए इसके जो हेलिक्स हैं वो एक दूसरे के पास पास बनाए जाते हैं ताकि ये इजीली इलास्टिक लिमिट के अंदर ही टेंशन को झेल सके। देन लास्ट हमारी आती है टॉर्जनल हेलिकल स्प्रिंग। टॉर्जनल हेलिकल स्प्रिंग्स जो होती है ये टॉर्जन मोमेंट जो होता है उसको सहने के लिए बनाई जाती है। अगर हम इसका यूज़ देखें तो नॉर्मली इसका यूज़ क्लच और स्टार्टर्स वगैरह में किया जाता है, और इसकी शेप आपको आपके स्क्रीन पे दिखी रही है, तो ऐसी होती है हमारी टॉर्जनल हेलिकल स्प्रिंग। नेक्स्ट बात करेंगे कि स्पायरल स्प्रिंग क्या होती है। तो स्पायरल स्प्रिंग मेनली टॉर्जन मोमेंट को सहने के लिए यूज़ की जाती है। ये जो हमारा रोटेटिंग मोशन होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करती है, और इसका अगर हम यूजेस देखें तो ये वॉच में और जो हमारी मेजरमेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट उनमें काम आती है, यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में काम आती है। अगर हम इसका नॉर्मल यूज़ देखें जो हम करते हैं जर्नली, तो आपने अपना इंच टेप देखा होगा, इंच टेप को जब आप खोलते हैं तो वो इजीली खुल जाता है, और जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं उसके उस फ्री एंड को, तो वो अपने आप ही सर्कुलेट होके उसके अंदर बंद हो जाता है। तो वो जो होता है वो स्पायरल स्प्रिंग की तरह आप उसे समझ सकते हैं। तो ये होती है स्पायरल स्प्रिंग। नेक्स्ट आती है डिस्क स्प्रिंग। डिस्क स्प्रिंग क्या होती है? डिस्क स्प्रिंग ये कॉनिकल शेप में कटी रहती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये कॉनिकल शेप में आपको दिखाई देंगे। जब आप इन्हें देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कॉनिकल शेप में रखी हुई हैं, और ये डिस्क स्प्रिंग होती हैं, और ये जो है सिर्फ हाई कंप्रेशन को झेलने के लिए काम आती हैं, यानी कि जहां आपका हाई कंप्रेशन लग रहा है वहां इसको यूज़ किया जाता है, जो हमारी डिस्क स्प्रिंग है उनको। ये हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, हैवी लोड के जो व्हीकल्स होते हैं उनको, उनमें जो कंपन होता है और लोड होता है उनको सहारने के लिए, हम कह सकते हैं सपोर्ट देने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ ब्लॉक स्प्रिंग। तो ये जो ब्लॉक स्प्रिंग होती हैं हमारी, ये रबड़ फॉर्म या किसी भी अदर इलास्टिक मटेरियल के जो अलग अलग शेप्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनमें बनी रहती हैं, इन्हें हम ब्लॉक स्प्रिंग कहते हैं, और इनमें कंप्रेशन और जो हमारा कंपन होता है उनको सपोर्ट देने के लिए यूज़ की जाती हैं। यानी कि अगर हम ब्लॉक स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये वहाँ यूज़ की जा रही है जहाँ कंप्रेशन लग रहा होगा और कंपन होगा, वहाँ हम इन्हें यूज़ करते हैं। अब कंप्रेशन और कंपन हमें कहाँ मिलेगा? ये हम जो हमारी गद्दियाँ होती हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली जो गद्दियाँ होती हैं वहाँ पे हमारी ये ब्लॉक स्प्रिंग यूज़ की जाती हैं। गद्दियों में हमारी जो ब्लॉक स्प्रिंग है वो यूज़ की जाती है। एंड द लास्ट इज लीफ स्प्रिंग क्या होती है? लीफ स्प्रिंग नॉर्मली लीफ स्प्रिंग हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ की जाती है, और इसे हम कमानी भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी लीफ स्प्रिंग होती है उसे हम कमानी भी कहते हैं, और ये हमारे व्हीकल्स में लोड को और कंपन जो हो रहा है उसमें वाइब्रेशन जो हो रहा है उसको सहने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर भी होता है, यानी कि हमारे सिलेबस में जो लीफ स्प्रिंग है इसे हमें डीपली पढ़ना है, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें कैसे स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, कैसे इसमें डिफॉर्मेशन होता है, ये सब हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले थे। तो इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही है कि ये कमानी कहा जाता है इसे, और ये हमारे व्हीकल्स में यूज़ की जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।